चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड इज इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीनों चीज होती क्या है, लेकिन इन तीनों क्वांटिटीज को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। तो जब आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, या बाय द वे अगर आपके इस वक्त केमिस्ट्री नहीं है तो कभी भी 10th में या 9th में जब भी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा तो उस वक्त आपने पढ़ा होगा कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्डेड होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे कम होता जाएगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ईजिली डिटैच्ड, और इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाते हैं एटम से वो हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटेलिक पार्ट है, सपोज छोटा सा ही मेटल है, उसमें देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स, सो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो देर आर मोर देन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आप ध्यान रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। अब कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो है द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, किसी भी बॉडी को चार्ज करते वक्त क्या होगा, या तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दोनों ही केसेस में वर्क डन होगा, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड बॉडी हैज नाउ द एबिलिटी टू डू वर्क। कैसे? बाय एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर चार्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पर नाउ दिस बॉडी हैज सम एबिलिटी टू डू वर्क, और उसकी कितनी कैपेसिटी है वो डिटरमाइन करता है कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड वी नो वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो गई जूल्स पर कूलम्स या फिर वोल्ट। नाउ जो सेकंड टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है? इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ द टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कि उन दोनों चार्ज बॉडीज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो वोल्ट माइनस वोल्ट भी अगर हम करते हैं तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, यूनिट इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई वोल्ट, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। अब जो हमारी तीसरी टर्म है इलेक्ट्रिक करंट, हम वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सपोज हमारे पास कोई भी एक मेटलिक वायर है, तो जैसा पीछे हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी पढ़ रहे थे तो बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, कि एक छोटे से मेटलिक पीस में भी देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स, सो हमारे पास लोट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
जब हम इस मेटल के अक्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवार्ड्स, किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, दैट कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर डेफिनेशन की हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो जाएगी एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सपोज इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल लगाया हमने, इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, ये आपका बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स ए मूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया। और यही कंटिन्यूअस जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, और इसको आई से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन। तो सपोज हम दोबारा से एक ही बना लेते हैं, सपोज दिस इज अवर मेटेलिक पीस, कुछ भी मेटल का पीस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, ये किसकी तरफ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, टुआर्ड्स पॉजिटिव, यहाँ पर ये बी है आपका, दिस इज ए पॉइंट, इसके अक्रॉस चलो हम लगा देते हैं कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं अक्रॉस ए एंड बी, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स पॉजिटिव करेंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे। बट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आपकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। सो जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज दिस, राइट, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अबाउट डायरेक्शन, ठीक है, कि करंट किस फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इस वीडियो को हम लंबा न खींचते हुए यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सभी की यूनिट। हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और इस करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहीं पे हम ये अपना वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।